सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय माता दी। तो हम जा रहे हैं आज मालसा देवी के टेंपल। तो मेरी बहन, जीजा जी, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे तो मेरी सिस्टर पीछे है, तो उसका ही वेट कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और बहुत अच्छा व्यू है फ्रेंड्स यहाँ पे, और मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं गांव का भी आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत सुंदर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के लिए हम होटल में रुके हुए थे, और आपको तो पता है मुझे रसावड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सभी ने रसावड़ा मंगवाया था, और बच्चों के लिए पकोड़े और कुछ चिप्स मंगवाए थे। और यहाँ पे देखिए, हम जा रहे हैं अभी मालसा देवी के मंदिर, और बहुत अच्छा था। सो फ्रेंड्स, आप इंजॉय कीजिए, मैं इसके आगे म्यूज़िक लगा देती हूँ, ठीक है। पीछे जीजा जी और सिस्टर आ रही है। और ना फ्रेंड्स, नए साल में एक बार आते हैं ना दिवाली के टाइम, तो सब एक जगह पे आते हैं, घूमना फिरना होता है, फुल एंजॉय करते हैं हम दिवाली के टाइम। क्योंकि ना हमें साल में एक बार ही गांव आने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है सब एक जगह पे होते हैं। तो हम पहुंच गए मालसा देवी के मंदिर, और यहाँ पे इतना अच्छा है ना, ये 40 गांव के पास है। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। गांव में आता है, यहाँ पे देखिए मालसा देवी मंदिर, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और यहाँ आते ना दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को ऐसा सुकून मिलता है यहाँ आते ही। तो माता रानी के लिए पूजा का सामान ले लूँगी, ओटी भरने के लिए साड़ी, चूड़ियाँ, वो सब कुछ ले लूँगी। और मेरी सिस्टर मेरे पास थी, तो मैं उसे पूछ रही थी तो कौन सा कलर की साड़ी लूँ, तो उसने बोला था हरी कलर की साड़ी लेनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने हरा कलर की साड़ी ली थी माता रानी के लिए। तो माता रानी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, तो मैंने भी बोला था तो माता रानी के मंदिर जाऊँगी, माता रानी को मैं साड़ी चूड़ी सब कुछ चढ़ाऊँगी। तो वही मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच में आने को नहीं मिलता है, मुझे सिर्फ दिवाली के टाइम आने को मिलता है। तो मैं माता रानी को साड़ी चूड़ी वो सब कुछ ओटी माता की भर दूँगी, नारियल वो सब कुछ उसने दिया था पूजा का सामान। तो माता रानी के हमने ओटी भी भरी थी, और नारियल भी चढ़ाए थे, मतलब 5 नारियल का तोरण चढ़ाया था हमने। और ना फ्रेंड्स, माता रानी ने मेरी जो भी इच्छा है वो पूरी की है, जो भी मेरी मन्नत थी वो पूरी की माता रानी ने। और ना सच में, मतलब किसी का हमें साथ नहीं, सपोर्ट नहीं, मगर मैं सच आपको दिल से बताती हूँ, तो माता रानी का हमें बहुत बड़ा साथ है, सपोर्ट है। हमारे सर पे माता रानी का हाथ है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है फ्रेंड्स। मैंने सब कुछ माता रानी पे ही छोड़ दिया है, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है, और कभी किसी का बुरा करना भी नहीं चाहिए, सबका भला होना चाहिए, और उसके पीछे हमारा।
तो आज हमने फुल मस्ती की, फुल एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अपनों के साथ जब हम बाहर घूमने जाते हैं, सब एक जगह रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो जीजा जी वो वीडियो बना रहे थे और हम फुल मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खेत का नज़ारा है और हर तरफ हरियाली हरियाली है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले भी बोला, गांव बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड गन्ना लेने गए थे उन लोगों के पास, बहुत मीठे गन्ने थे और ना वो लोग ना बहुत सारे गन्ने दे रहे थे, मगर रखने के लिए जगह नहीं थी ना, इस वजह से हमने थोड़े से ही गन्ने लिए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे देख। तो हम रात के समय भी बाहर घूमने गए थे, मेरी सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और हमारे तीनों के बच्चे थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हमने शूट भी किया और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ रात के समय। फ्रेंड्स इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आज के लिए सिर्फ इतना, गुड नाइट।